वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एल एस मान पंजाबी फूड यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका एल एस मान। आज हम आपके लिए लेके हैं चना दाल की रेसिपी। चना दाल की बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी रहेगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम दाल का यूज किया है, चना दाल का 100 ग्राम चना दाल यूज किया है। और उसमें क्या करने की, थोड़ी सी हमने 20 से 25 ग्राम मैंने उड़द दाल का यूज किया है। उड़द दाल जो छिलके वाली दाल है, वो उड़द दाल आपने लेनी है। इसके अंदर इसके डालने से आपकी दाल में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और दाल का कलर भी बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, पानी मेरा गर्म हो चुका है, इसमें मैं अपनी दालें डाल देता हूँ। तो दालों को मैंने अच्छे से धो के बिल्कुल साफ़ कर लिया है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगा। तो देखिए, ऐड कर देते हैं और बढ़िया से इसमें बॉयल आने देते हैं। तो जैसे ही इसके अंदर देखिए हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया, तो इस टाइम पे क्या करना है कि देसी घी डाल देना है। देसी घी से एक तो फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा और उबलते टाइम दाल आपकी बाहर नहीं निकलेगी, तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो चलिए अपने इंग्रेडिएंट और भी देख लेते हैं। तो दो प्याज का मैंने यूज किया, आधा टमाटर और एक हरी मिर्च और 5-6 से कलियाँ लहसुन की और एक छोटा टुकड़ा अदरक का। तो देखिए बिल्कुल बारीक इनको मैंने काट लिया है, प्याज अदरक लहसुन और टमाटर को। तो देखिए दाल में मैंने कुछ खड़े मसालों का भी यूज किया। इसमें लौंग है, साबुत धनिया है, दालचीनी है, तेजपत्ते के कुछ टुकड़े हैं। तो देखिए दाल बढ़िया से पानी रिड्यूस होना शुरू हो गया है, दाल हमारी पकना शुरू हो गया है। तो मैंने ढक के दाल को पकाया बढ़िया से, इसको लगभग आधा घंटा आपको लग जाएगा आराम से। चना दाल को थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। तो देखिए ढक्कन हटा के अभी देखता हूँ मैं, तो दाल थोड़ी सी अभी सॉफ्ट हो चुकी है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए, जैसे ही मैं दाल को दबा रहा हूँ तो दाल बिल्कुल अभी अपनी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अभी क्या करना है कि इसको दाल को थोड़ी देर के लिए एक स्टेप और करना है। हमें इस दाल को थोड़ा सा मैश करना है, कड़छी की मदद से ही करना है। तो आप कड़छी की मदद से भी कर सकते हो, या आप कोई आपके पास मदानी है तो मदानी की मदद से भी कर सकते हो। तो देखिए बढ़िया से इसको मैं मैश कर लेता हूँ, बढ़िया से बिल्कुल 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे, बढ़िया से इसको मैश कर लेना है। तो दाल को मैश करना बहुत ज़रूरी होता है। दाल को मैश करने से क्या होता है कि सब कुछ बिल्कुल वैसे बढ़िया तरीके से घुल जाता है और दाल की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही बढ़िया रहती है। जो तो देखिए दाल बढ़िया से बहुत बढ़िया तरीके से मैश हो चुकी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से दाल की आपकी कंसिस्टेंसी है जो बन जाएगी। तो देखिए, ये देखिए बिल्कुल दाल जो पानी के अंदर है बिल्कुल बढ़िया तरीके से घुल चुकी है। तो अभी क्या किया है मैंने, दाल को बाहर निकाल दिया किसी बाउल के अंदर। तो उसी फ्राईवेल के अंदर मैंने डाला है 2 चम्मच देसी घी। 2 चम्मच इसमें देसी घी का हमने यूज किया है। देसी घी में ही बनाना है इसको, दाल का जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आता है देसी घी के अंदर। तो देसी घी को अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैं गर्म कर लेता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल देखिए धीरे धीरे घी अपना जो गर्म हो जाएगा। तो देखिए घी मेरा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब क्या करना है, इसके अंदर जो हमने प्याज लिए थे प्याज को ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मोस्टली क्या होता है कि हम गर्म मसालों या खड़े मसालों को पहले डालते हैं, लेकिन मैं बाद में डालने वाला हूँ। बाद में प्याज के डालने के बाद उसका जो फ्लेवर है वो अलग तरीके का आएगा, तो आप ये इस तरीके से ही डालना। तो देखिए प्याज डालने के बाद मैंने जो खड़े मसाले और अपना जो जीरा है उसको ऐड किया है। तो खड़े मसाले डालने के बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करना है बढ़िया तरीके से। तो बाद में मैंने यहाँ पे डाला है अपना जीरा। तो देखिए मैंने जीरा भी इसमें ऐड कर दिया है। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो प्याज हल्के से ट्रांसलूसेंट होने के बाद ही क्या करना है कि आपने लहसुन डाल देनी है उसमें, अदरक लहसुन जो बारीक कटा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और बढ़िया तरीके से इसको भून लेना है। और थोड़े से जब ये प्याज और लहसुन भून जाए तो इसके अंदर हमने टमाटर ऐड कर देना है। तो देखिए अब तीनों चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से भून लेना है। मसालों को भूनने से ही बढ़िया आपकी जो दाल का जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आएगा। जितना बढ़िया तरीके से मसालों को भून लोगे उतना ही बढ़िया आपकी जो दाल है वो बनेगी। तो बिल्कुल 3 से 4 मिनट इनको बढ़िया तरीके से भून लेना है अच्छे से। तो टाइम लगता है थोड़ा सा। तड़के को क्या होती, तड़के को बढ़िया से भुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब जो टमाटर प्याज है वो आपके दाल में तैरते हुए नहीं दिखने चाहिए, वरना क्या है कि जो ना तो दाल दिखने में अच्छी लगेगी ना ही खाने में अच्छी लगेगी। तो दाल को क्या है कि
जो हमने तड़के का जो सामान डाला है, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, सब कुछ बिल्कुल ऐसे मतलब घुला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल गोल ग्रेवी होनी चाहिए, तभी ये वो दाल है जो खाने में भी अच्छी लगेगी और दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो देखिए मेरे जो प्याज हैं, जो सब्जियां बिल्कुल बढ़िया तरीके से भुन चुकी है, प्याज और टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज पे भी आप देखिए हल्का सा कलर आ चुका है, तो सब बढ़िया तरीके से भुन चुका है। तो अभी मैंने इसमें हाफ चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, डेढ़ चम्मच यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर है, और एक दो बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है, और करीबन हाफ चम्मच के करीब यहाँ पे नमक मैंने ऐड किया है। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से इनको मिक्स कर लेना है, और उसके बाद एक गिलास इसमें पानी डाल देना है। तो पानी डाल के हल्के से बढ़िया से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे एक और इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाला हूँ, जो कि है बेसन। बेसन से फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा, आप इसको ज़रूर डालिएगा। तो देखिए एक से दो मिनट मसालों को भूनने के बाद जो हमने दाल ली थी, दाल को भी इसमें ऐड कर देना है। तो देखिए दाल को मैं बढ़िया तरीके से ऐड कर देता हूँ इसमें। तो ये देखिए अभी आप दाल का कलर देखिए, क्या बढ़िया कलर आ चुका है। जब दाल और मसाले सब बढ़िया से मिक्स हो जाएं, तो एंड में क्या करना है कि हमने एक टिक्की मैंने मक्खन की डाल दी है, तो मक्खन डालने से दाल का फ्लेवर बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी दाल रेडी हो चुकी है, सचमुच में इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी ही हमारी लाजवाब रेसिपी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और चलिए भाई मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।